मित्रों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज की पांचवी किस्त का आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया है। और आज जो सबसे बड़ा ऐलान है वो राज्यों की जो मांग थी कि जो FRBM एक्ट के तहत जो राजकोषीय घाटा था, फिस्कल डेफिसिट की जो सीमा थी उसको 3% से बढ़ाकर 5% किया जाए। मित्रों, राज्यों के राजस्व में भारी कमी आई है। बिहार जैसे राज्य में भी अप्रैल माह में पिछले साल के अप्रैल की तुलना में केवल 14% टैक्स का संग्रह हो पाया है। इसलिए ज़्यादा लोन लेना, ज़्यादा ऋण लेना यह एकमात्र उपाय था। और इसलिए हम लोगों ने केंद्र की सरकार से आग्रह किया था कि हमको ज़्यादा ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाए। तो जहाँ पहले से बिहार को 39,341 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रावधान किया गया था, वह आज की इस नई घोषणा के बाद अगर हम सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो हम 3% के बजाय 5% यानी हम 12,922 करोड़ रुपया अतिरिक्त ऋण ले पाएंगे। और जो आज यह भी कहा गया कि 0.50% यानी 0.5%, आधा परसेंट बिना किसी शर्त के ऋण दिया जा सकता है, यानी 3,230 करोड़ रुपया बिना शर्त के हम ऋण ले सकते हैं। और जो चार शर्तें हैं अगर उनको हम पूरा करते हैं तो हम अतिरिक्त 1.5% का ऋण ले सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, आज के इस अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यों की जो मांग थी उसको केंद्र की सरकार ने और पूरा कर दिया है। साथ ही मित्रों, यह आज की इस घोषणा के अंदर जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत और 40,000 करोड़ रुपये का और अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, यानी अब मनरेगा में पहले जितना मिल रहा था उसे 40,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। और बिहार जैसे राज्य में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हम लोगों ने बिहार में नया जॉब कार्ड बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब तक 2,70,900 नए जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं और 3.5 लाख कामों पर, योजनाओं पर काम प्रारंभ हो गया है। 11,94,000 लेबर मस्टर रोल ये निर्गत किया जा चुका है। और मैं केंद्र को धन्यवाद दूंगा कि इस वर्ष अप्रैल महीने में ही 1,124 करोड़ रुपया और केंद्र की सरकार ने मनरेगा का और रिलीज़ कर दिया है। और इस साल बिहार को करीब 2,535 करोड़ रुपया और मिलने की संभावना है। साथी मित्रों, आज की घोषणा में और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की गई है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वन नेशन वन चैनल और कक्षा 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक डेडिकेटेड चैनल होगा, वन क्लास वन चैनल, ताकि बच्चे जो हैं उस चैनल का उपयोग कर सकेंगे। तो देश की 100 से ज़्यादा जो बड़े विश्वविद्यालय हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं और वहाँ पर प्रारंभ हो सकेगा। और इसी प्रकार ये भी कहा गया है कि जो कोर्सेज के साथ साथ रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा भी प्रसारण का काम होगा। मित्रों, जब यह संक्रमण फैला तो देश के अंदर लैब्स की संख्या बहुत कम थी और अब आज सरकार ने घोषणा की है कि संक्रामक रोग के जो अस्पताल हैं हर ज़िले में उसका एक ब्लॉक निर्मित किया जाएगा, यानी एक खंड हर ज़िले में इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल का होगा। और इतना ही नहीं तो हर प्रखंड में भी और इसके जांच के लिए, यानी संक्रमण की जांच और अन्य बीमारियों की जांच करने के लिए भी पब्लिक हेल्थ लैब जो है वो सभी जिलों और सभी ब्लॉक्स के अंदर और स्थापित किया जाएगा। मित्रों, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने ये जो ऐलान किया था कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त 2 महीने तक 5 किलो चावल मिलेगा, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के अंदर और करीब 80 लाख से ज़्यादा लोगों को और 5 किलो अनाज 2 महीने के लिए मिल पाएगा। और केंद्र की सरकार ने उसकी भी चिट्ठी कल निर्गत कर दी है। तो मित्रों, कुल मिलाकर जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का घोषणा की गई थी तो बहुत सारे हमारे विरोधी मजाक उड़ा रहे थे कि कहाँ पर है 20 लाख करोड़। और आज निर्मला सीतारमण जी ने एक एक चीज़ का हिसाब दे दिया है। और इसलिए केवल तत्काल सहायता नहीं बल्कि
एक दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना और इन सारी चीज़ों को भी मजबूत करने के लिए यह पैकेज एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।